हेलो, गुड मॉर्निंग। हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा, दशहरा मुबारक हो। हाँ, तो जब वुलन फूला हुआ होता है, गुब्बारा फूला हुआ होता है, तो वो अच्छा लगता है। और उससे खेलते हैं, वो प्यारा लगता है। और जब उसकी हवा निकल जाती है, तो उसका क्या हाल हो जाता है, कैसा लगता है। ये शब्द कहे हैं किसने, रंटाक ने। ये सब कहे हैं रंटाक ने, और किसके लिए कहे हैं आप सबको पता है। जी हाँ, तो ये भी कहा है, हवा है, हवा है, कुछ नहीं, हवा ही हवा है बस। ये भी कहा है किसने, रंटाक ने। जी हाँ, किसके लिए आप सब जानते हैं। जी, कितना गिरा हुआ इंसान है ये। मैं तो पहले से ही कहती हूँ, मुझे ये जब पहले गया था ना छोड़ के, समझ गए आप, 14-15 महीने, बस मुझे ये पसंद ही नहीं है। मुझे ये इंसान शुरू से ही सही नहीं लगता, और इसकी असलियत सामने आ गई। मैंने कहा ना, ये मेरी आंखें बहुत पारखी हैं, ये इंसान कितना गिरा हुआ है आप समझ लीजिए। जी, और क्या दिखा रहा था, देखो मेरा ये 40 साल पुराना दोस्त है, मेरी कितनी पुरानी दोस्ती है इससे। इसका मतलब क्या बताना चाह रहा था वो आपको, इसका मतलब आपको बताना चाह रहा था कि मेरी दोस्ती या मेरे पुराने लोग मुझसे छूटते नहीं हैं, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं ये, मैं किसी को धोखा नहीं देता हूँ। कहने का मोटिव ये था कि मेरा देखो कितनी पुरानी दोस्ती है, 40 साल पुरानी। लेकिन एक बात बताओ रिंटा, 40 साल पुराने दोस्त पे का चेहरा देख और अपना चेहरा देख, तेरे चेहरे पे लानत बरस रही है। उसकी वीडियो में जाके देखो, जो थंबनेल पे भी उसने दोस्त लगाया है अपना, 40 साल पुरानी दोस्ती बता रहा है, उसकी सूरत और तेरी सूरत दोनों मिला, तेरी सूरत पर लानत बरस रही है, समझे। जी हाँ, ये होता है कर्मा, जैसा आदमी कर्म करता है ना वो चेहरे पे आता है। जी, और एक बात और बताऊँ मैं आपको, फिटकार बरस रही है इसके चेहरे पे। आपने एक बात नोट करी कि ये जब प्लेन में जाता है तो ये एयर होस्टेस को हाईलाइट करता है अपने कैमरे में, और इससे पहले जब ये गया था और ये आ रहा था, तो एक ऑफिसर थे है ना एयरपोर्ट के, और एक एयर होस्टेस खड़ी थी, और इसने जब कैमरा दिखाया था तो उन्होंने कहा था कैमरा बंद करिए, वीडियो मत बनाइए। फिर इसने नहीं माना, फिर उन्होंने दोबारा से डांट के कहा था तब इसने, और अब भी ये एयर होस्टेस को हाईलाइट करता है। इसकी नीयत इतनी गंदी है ना, इसकी नज़र इतनी गंदी है, क्या बताएं आपको, समझे। मुझे पसंद ही नहीं है पहले से, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसने दोबारा, शीला भाई ने इसे माफ़ कर दिया, दोबारा इसे बुला लिया घर में, मुझे जब भी पसंद ही नहीं था, शुरू से ही पसंद नहीं है, मैं आपको अपने बताऊँ। ठीक है, उनके हस्बैंड वाइफ था, उन्होंने, मैंने यही कहा था कि बुला तो लिया है लेकिन ये सही रहे तब बात है, तीसरी बीवी मिलेगी, इसके बारे में मैं बात बात कही। मैं शीला बाई को कोई अच्छा नहीं कह रही, मैं रंटाक को कोई बुरा नहीं कह रही, रंटाक की भी असलियत कह रही हूँ, शीला बाई की भी असलियत कहती हूँ, कम शीला बाई भी नहीं है मैं बताऊँ आपको। लेकिन ये जो तेरी करनी है ना, जो तूने करनी है, देखिए चाहे कोई कुछ भी है, दिल मत दुखाओ किसी का, बुरा मत करो किसी के साथ। जी हाँ, अजय जो रंटाक कर रहा है ना, इसका करा हुआ इसकी औलाद भुगतेगी, देख लेना। जी हाँ, मैं पक्का कह रही हूँ, इसका करा हुआ इसकी औलाद भुगतेगी। और शीला भाई तो भुगत ही रही है, जो शीला भाई ने कही है अपनी जर्नी में, वो शीला भाई भुगत रही है, बहुत बुरी तरह भुगत रही है। अब 13 नंबर भी है, नंबर उसके यहाँ सबका है, बारी बारी, चिंता मत कर, भुगतेगा तू भी। शीला भाई इस टाइम परेशान बहुत है, और वो जो परेशान है वो अपनी करनी की वजह से है, वो अपने कर्मों से है। उसने जो तुझे दोबारा मौका दिया, उसने बहुत बड़ी गलती की, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी गलती की, और उस पर बहुत भारी पड़ा है तुझे दोबारा मौका देना, समझे। तुझ जैसे वो, अब वो भुगत रही है ना, भुगतेगी। और हाँ, पूरा गोल्डन ग्रुप भी भाई बगदाद जा रहा है। जी हाँ, मैं तो एक बात जानती हूँ, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जिस औरत के पास बच्चे हैं और पैसा भी है, गुजारा करने लायक, परेशान नहीं है, उसे शादी की क्या ज़रूरत है। सेकंड मैरिज मेरे, मैं तो नहीं मानूंगी सही है, मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, ये बात शीला भाई ने भी कही है कि सेकंड मैरिज नहीं होती, होगी सक्सेस नहीं, बच्चे को एक्सेप्ट बहुत मुश्किल से करते हैं लोग। और जब पैसा भी है और तुम्हारे पास बच्चा भी है, तुम्हारे पास सपोर्ट भी है, बच्चे बड़े बड़े थे, तो शादी करने की क्या ज़रूरत थी, मैं नहीं मानती। ज़िंदगी तो काटनी है, काट लो, बच्चों के सारे काट लो। देखो जब जब परेशानियों में घिरती है ये, जब जब परेशान होती है, जब इसे अल्लाह याद आता है, ये अल्लाह के घर जाती है। जब जब दुखी होती है तब तब इसे अल्लाह याद आता है, कहते हैं ना, दुख में
दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का होए। जी हाँ, तो जब इसे दुख होता है, परेशानी होती है, तो ये अल्लाह के घर जाती है। जी हाँ, एक बात बताऊँ, ये जो बगदाद का जो नज़ारा है ना, मैंने सब देखा है शिरीन के व्लॉग में। जब रेहाना बोस आई थी ना बगदाद, मैं शिरीन का व्लॉग काफ़ी टाइम से वॉच करती हूँ, जो उसकी छोटी बेटी है। बड़ी बेटी तो मुझे एटीट्यूड से भरी हुई लगती है। तो जो मैंने ये, तो ये बगदाद का पूरा नज़ारा शिरीन ने दिखाया था, पूरा मार्केट दिखाया था, शॉपिंग करी थी उन्होंने जहाँ जहाँ से। तो ये सारा बगदाद का नज़ारा जो दिखा रही, सब मेरा देखा हुआ है। देखिए, और मैं तो यही कहूँगी कि बुड्ढा छोड़कर भागता है तो इसे अल्लाह याद आता है। क्या बात है, बुड्ढे में अल्लाह बसा हुआ है। जब बुड्ढा पास में होता है तो अल्लाह याद नहीं आता, बुड्ढा छोड़कर भागता है तो अल्लाह याद आ जाता है। हैं, उसके करीब जाती है, उमरा गई तो बुड्ढा छोड़ के गया तब गई, बगदाद गई तो बुड्ढा छोड़ के गया तब गई, अब दोबारा गई तो बुड्ढा छोड़ के गया तब गई। इसके नसीब में शोहर के साथ नहीं लिखा। मैंने पहली वीडियो में भी कहा है, किसके नसीब में शोहर के साथ ऐसी जगह नहीं लिखा, और जबकि शोहर के साथ ऐसी जगह जाते हैं तो बात ही क्या है। जी हाँ, मैं कहती हूँ ना, पैसा सब, ये क्या मांग रही है, ये तो ये जाने ऊपर वाले से, इसने क्या मांग रखी है अपनी, क्या इसने दोनों हाथ फैला के उनसे गुजारिश की है। लेकिन मैं तो एक ही कहूँगी कि ज़िंदगी में सुकून मांगना, सुकून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। पैसा, दौलत, शोहरत सब एक तरफ है और सुकून एक तरफ है। टाटा, रतन टाटा ख़त्म हुए हैं, आप देखिए, जो इंसान एक रुपया कमाता हो और उसमें से 65 पैसे दान कर देता, कर देगा कोई? 65% उसका उनका डोनेशन में जाता था। कहते ना, ऐसे ऐसे लोग जब दुनिया से जा रहे हैं तो दुनिया में कलयुग तो आएगा ही, कयामत तो आएगी ही, अच्छे अच्छे लोग सब दुनिया से जा रहे हैं। बहुत बड़ी क्षति है ये देश के लिए, वो खत्म गए हैं दुनिया से, जाना तो सबको है। तो मैं यही कहूँगी कि सुकून, एक ही लड़की से उन्होंने प्यार किया, चीनी लड़की थी, चीन की रहने वाली थी, और युद्ध छिड़ गया था, उसके बाद उनके पेरेंट्स ने शादी नहीं की, तो पूरी ज़िंदगी रतन टाटा ने शादी नहीं की। ये होती है मोहब्बत, ये इसे कहते हैं इश्क। जो मोहब्बत सच्ची होती है ना, वो कभी मिलती नहीं है और वो अमर हो जाती है, इसे इश्क बोलते हैं। कहते हैं ना, इश्क प्यार मोहब्बत में क्या फ़र्क है, इसे इश्क बोलते हैं। जी हाँ, तो पूरी लाइफ उन्होंने शादी नहीं की फिर। जी, ऐसे होते हैं लोग। तो मैं कह रही हूँ ना कि सुकून मांगना, उनकी ज़िंदगी में सुकून था, चिंता नहीं थी किसी बात की, कोई ऐसा नंबर दो का धंधे नहीं थे उनके, नमक से लेके हवाई जहाज तक उनके अंडर में था। उनके किस्से आप पढ़ोगे ना तो पढ़ते रह जाओगे, मैं कहूँगी ना 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। मैं ऐसे लोगों को फॉलो करती हूँ, ऐसे लोगों की किताबें पढ़ती हूँ। जी हाँ, तो मैं यही कहूँगी कि शीला भाई, सुकून की दौलत मांग, जो सुकून बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, और क्या कहती है कि मुझे यहाँ आके बड़ा अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो शीला भाई, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, ऐसी जगह जाकर आप बैठते हैं ना तो आपको बड़ी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम यहीं बैठे रहें, यहाँ से उठ के ना जाएं। तो ये बार बार मत कह कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ का कोई भी दुख नहीं होता, सारे दुख भूल जाता है इंसान। जी हाँ, कॉपीकैट गोल्डन ग्रुप हो शीला भाई आप? जी हाँ, लोग बोल रहे हैं गौसे पाक से हमारे लिए भी दुआ करना, लोग बोल रहे हैं हमारे लिए भी दुआ करना, लोग कह रहे हैं मेरे लिए भी ऐसा मांगना। तो मैं उन लोगों से ये कहूँगी कि आप अपने घर पर बैठ के अगर सच्चे मन से दुआ करेंगे तो आप वहीं पर पाएंगे अपने आप को, और आपकी दुआ कबूल होगी। किसी को बचरिया मत बनाइए, खुद मिलिए आप उससे, ऊपर वाले से, या आप जो पीर वली हैं आपके, उनसे खुद दिल का रिश्ता बनाइए। किसी से मत कहिए, आप खुद कहिए उनसे, देखिए आप मिलते हैं नहीं मिलते। थोड़ी आपको ऐसा लगेगा कि हम वहीं, अगर आपने सच्ची दिल से दुआ मांगी कि हम वहीं मौजूद हैं, किसी को जरिया बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप आया पहन लिया, लेकिन लिपस्टिक लगा ली, लिपस्टिक लगा लेते हैं, मुझे तो नहीं लगता, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं खुद जाती, मैं तो कहीं लगाती ही नहीं, मेरे पास तो है भी नहीं घर में, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है शायद लगाने, सादगी में क्या शर्म आती है शीला भाई तुम्हें? लिपस्टिक लगाना ज़रूरी था? खुदा के घर जाओ तो अबाया पहन लो, बाकी सड़कों पे नहीं तो नंगा नाच करो। हैं, खुदा क्या वहाँ नहीं देखता तुम्हें, अपने घर में देखता है बस? तुम, उसकी नज़रें तुम्हारे ऊपर जब आती हैं तो वो तुम उनके घर जाती हो जब ही आती हो? जी नहीं, वहाँ जाके तो हमें खुशी मिलती है, जैसे हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हमें खुशी मिलती है, हम किसी के घर जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, ऐसे हम खुदा के पास के घर जाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसकी नज़र हर जगह है, ये नहीं कि आप खुदा के घर गए तो आप आया पहन लिया, बाहर सड़कों पे आपने नंगा नाच कर लिया, वो नहीं होता है। जी हाँ,
या ऐसा लगता है कि यहाँ बिना अबाया के एंट्री नहीं है। अगर एंट्री ये मैं इसमें मैं पूरी श्योर नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है। तेरी सोच शीला बाई, तेरी नीयत सबसे बड़ी बात है। तेरी सोच, तेरी नीयत, तेरी बातें, इसी वजह से तू अकेली है। जी हाँ, नीयत की वजह से, सोच की वजह से और तेरी बातों की वजह से आज तू बिना शौहर के है अकेली। दो बच्चे तो हैं, लेकिन ये बच्चे सेटल तो होने दे, सेटल होने दे इन्हें बच्चों को, तब बात करना हमसे। देखिए कितनी घटिया पसंद निकली इसकी रनटाक के विषय में, क्या कहें। और रनटाक बोल रहा है तीसरी बीवी, अरे चल तीसरी बीवी, चल तीसरी बीवी है क्या तुझमें, क्या है तू गंदे दांतों वाला, जब हंसता है तो कितना गंदा लगता है, तेरा मुंह कितना गंदा है, तेरी चेहरे की फटकार देखो कितना अजीब सा लगता है, पेट तेरा आगे को निकला पड़ा है, शरीर का अपने स्ट्रक्चर देख, है क्या तू तीसरी बीवी। वही लोग तुझे पसंद करते होंगे जिन्हें दुनिया में लोग जेंट्स नहीं होंगे, जिनके लिए वही तुझे मरते होंगे, वही तुझे पसंद करते होंगे, जैसे शीला बाई जैसी तुझे पसंद करते हैं, जैसे शीला बाई वही पसंद करते हैं। जो तू बता रहा था हैदराबाद क्यों गया, हैदराबाद क्यों गया बताऊंगा मैं बाद में, हैदराबाद क्यों गया वहाँ में नहीं पूछने की ज़रूरत। तुम जैसे करेक्टर लेस आदमी के बारे में हम बात नहीं करते, जिसे ये शर्म नहीं कि मेरे मैं दादा भी हूँ, मैं नाना भी हूँ, मेरे दामाद भी हैं, मेरे बहू भी हैं, मैं इस तरह की हरकतें करूँगा तो उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जो तेरी नवासियाँ हैं वो भी अच्छी खासी बड़ी हैं, कोई छोटी नहीं है, देखती हूँ क्या इज्जत होगी तेरे दामादों की नज़र में तेरी, क्या रेस्पेक्ट करते होंगे तेरी तेरे दामाद ये हरकत करके हैं। कुछ लोग यूं ही चले जाते हैं दुनिया से, उन्हें बड़प्पन नहीं आता, उन्हें मैच्योरिटी नहीं आती। कहते हैं मैच्योरिटी उम्र से आती है, लेकिन बहुत से लोगों की उम्र से भी नहीं आती, यूं ही चले जाते हैं दुनिया से। शर्म कर, शर्म कर, तू पूरे मतलब एक उम्रदार औरत, अब सॉरी एक उम्रदार आदमी होके तूने ये अब भी ये छिचोरी हरकतें कर रहा, छपरी वाली, छपरी है तो पूरा, ये छपरी वाली हरकतें कर रहा है, अच्छा लग रहा है क्या तेरे, सब देखते होंगे ना वीडियो, कैसा लगता होगा। छी, और तेरी मतलब और तो सब परिवार मतलब रिश्तेदार बहन के यहाँ परिवार के लोग, बहू बेटियाँ उनकी, सबकी बहू बेटियाँ तुझे देखती होंगी, ऐसी बात थोड़ी है। पहले तूने 15 लाख का घोटाला किया रेहाना बोस के साथ, तूने 15 लाख का घोटाला किया, तेरे बेटे ने 50 लाख का, समझे, सब एक हैं, सब एक हैं, और उसमें शीला बाई भी शामिल हो गई थी। जी हाँ, शीला बाई भी शामिल हो गई थी, तो मुझे बुरा लगा, मैंने कहा आके बोली सही को सही। देखिए मैं सपोर्ट, बात आती है कि सपोर्ट करें उसकी, करें उसकी, करें, आज रंटा गलत बोल रहा है तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे, आज शीला बाई गलत बोल रही तो हम उसकी सपोर्ट नहीं, सही को सही और गलत को गलत बोलो, सपोर्ट नहीं। अगर शीला बाई कहीं सही है, इस टाइम रंटाक 100% गलत दिख रहा है, और शीला बाई तो अपनी गलती से करनी भुगत रही है, जो उसने गलती की है इसे दोबारा मौका देकर। जी हाँ, तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। 2 दिन बाद बनाई है शीला बाई के लिए मैंने वीडियो, पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ओके बाय।